क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा कहाँ से आए आप? बहादुरगढ़। अच्छा, तो कुणाल शर्मा जी आज बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ने आए हैं दिवाली मेले पे, एनजीओ का जो हमारा दिवाली मेला था। तो कुणाल जी, आप कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छी तरीके से अरेंजमेंट है, जो सारी जो चीज़ें बनाई हैं, इवन की दीपक है, लड़ियाँ हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी हैं। मतलब गेम्स का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया है गेम्स, मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मतलब मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे आए और मतलब इसके ज़रिए जो आप लोग जो शॉपिंग करेंगे, जो गेम्स खेलेंगे, उस पैसे से मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा में कुछ सहयोग हो पाएगा। मतलब आप डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट आपके थ्रू, मतलब जो आप जो मदद करना चाहते कभी कर नहीं पाते, मतलब स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन के थ्रू वो उन बच्चों तक पहुँच जाएगी वो मदद। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, कुछ प्लान्स के लिए? आने बच्चों के लिए कि मतलब जो भी पॉसिबल होगा, मतलब जो एफर्ट्स होंगे हम कोशिश करेंगे, मतलब कि थोड़ा टाइम निकाल के, मतलब कि। धन्यवाद जी। और आपका क्या नाम है? देवेश झा। तो सर, आपको कैसा लगा आज मिलने में? सर, बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया यहाँ पर। मैंने फ्रेंड के ज़रिए मैं आया था, उन्होंने बोला था कि वहाँ पर स्प्रीड स्माइल फाउंडेशन करके एनजीओ, वहाँ एक बार जाके देखो। तो आज मैं पहली बार आया यहाँ के, बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस तरीके से एकदम डेकोरेटिंग, और आपके मतलब एक तरह से बोलते ना कि पहले से प्री प्लान सारी चीज़ें, और एक तरह से मतलब बच्चों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे लोगों को बढ़ावा में देना चाहिए। आज के ज़माने में कोई भी हेल्प नहीं करता है, तो मतलब इस चीज़ से है कि आपको एनजीओ की तरह आपको इनडायरेक्टली आपको लोगों को, छोटे बच्चों को पढ़ाई का, पहले जो लॉकडाउन में लोगों को खाना पढ़ाई जो चीज़ दी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हेल्पिंग एक तरह का एफर्ट है एनजीओ। तो आप कहाँ से आए हैं बेसिकली? मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ मैं। तो आप दिल्ली से आए हैं? हाँ। तो पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से दिल्ली से आए यहाँ देखने के लिए। जी जी। तो मेनली बात ये है कि आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी तरफ से ये है कि इस कई बच्चे होते हैं जिनको ना लोगों के पास चीज़ें नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, लोगों के पास मतलब खाने का सामान, खाने की चीज़ें नहीं होता, लोगों को पढ़ाई का सामान, लेकिन एनजीओ एक ऐसी स्पीड स्माइल फाउंडेशन करके एक ऐसा एनजीओ है जो लोगों को ना स्टडी का मटेरियल देना, लोगों को सहायता देना, जिन लोगों के पास चीज़ें नहीं वो चीज़ें अवेयर कराना, ये बहुत बड़ा कदम है। और आज के ज़माने में ये चीज़ें कदम कोई नहीं उठा पाता, लेकिन ये एनजीओ ने ये कदम उठा के मतलब एक बहुत बड़ा अपने विकास में साथ दिया है, भारत के विकास में। तो धन्यवाद, आप आए यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।